कितनी बार दिखानी पड़ती है? 1, 2, 10, 20, 50, 100 कितनी बार दिखाएं एक बात को? आपको बेटा प्यार से बोल रखा है कि वो जाके कोई माइक ऑन नहीं करेगा, कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, नमस्ते करना है वो भी चुपचाप रह के, लिप्स क्लोज। Yes, so as all of you know, in the last class we completed the question answers of lesson number 5. Yes, lesson 5 हमारा खत्म हो चुका है। उसका नाम था cleanliness and healthy habits, right? Okay, now अब जो है आज हमारा लेसन 6 शुरू होगा, जिसका नाम है क्लोथ्स। जिसका नाम है क्लोथ्स। चिन्मय अपना माइक ऑफ करो। जो माइक ऑन करेगा उसको मैं क्लास से आउट कर दूंगी, बाहर निकाल दूंगी क्लास से। प्यार से बहुत समझा दिया, बहुत दिन तो समझाते समझाते हर रोज क्लास में कोई बच्चा अपना ऑन कर देता है। माइक ऑफ रखेंगे और मैडम की बात ध्यान से सुनेंगे। सो आज का जो हमारा लेसन है बेटा, लेसन नंबर 6, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब आप सबको पता है, फिर भी हम एक एक बच्चे से पूछेंगे करके, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जाता है अनमोल को। अनमोल, क्लोथ्स क्या होता है बेटे? क्लोथ्स क्या होता है? क्लोथ्स मतलब कपड़े। जो आप जो अभी आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं? अभी अनमोल ने क्या पहन रखा है? शर्ट पहन रखा है ना, शॉर्ट्स पहन रखा है। गर्ल्स ने फ्रॉक पहन रखी है, किसी ने टी शर्ट पहन रखा है, मैंने कुर्ता पहन रखा है ब्लैक कलर का। तो ऐसे क्लोथ्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिंस। प्रिंस, हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ये तो हमारे वाला ऐसे मैंने अपना कर लिया है। हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं प्रिंस? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। स्टेटस जानने के लिए, स्टेटस जानने के लिए। और किसी का भी माइक ऑन नहीं होगा, आरुष माइक ऑफ करो अपना। मैंने जिससे पूछा है प्रिंस कहाँ गया? हाँ प्रिंस, बताइए जल्दी से। प्रिंस आपको बोलो। प्रोटेक्शन के लिए। वहाँ देखो, सामने देखो। प्रोटेक्शन के लिए। हाँ तो उधर क्या देख रहे हो? आप जब स्कूल आओगे तो साथ में मम्मी पापा को लेके आओगे क्या क्लास में? सामने देखो, मेरी तरफ। मेरी तरफ देखिए सामने। हाँ, आप लेफ्ट राइट नहीं देखना आपको। हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनते हैं। अगर कवर नहीं करेंगे तो हमारी शिमशिम हो जाएगी, ठीक है? इसलिए कपड़े पहनना जरूरी है। दूसरा, हमें जब सर्दी लगती है तो कपड़े हमें सर्दी से बचाते हैं। हमें जब गर्मी लगती है तब भी हमें कपड़े कूल कॉटन के हम कपड़े पहनते हैं, राइट? सही है या नहीं है? करेक्ट, थम्स अप, यस। सो अच्छा, एक बार आप दूसरा क्वेश्चन किसी और बच्चे से। आरुष यादव,
यस मैम। आरुष क्या हम हर पूरे साल एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? क्या मैडम? क्या हम पूरे साल एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? नो मैम। क्यों क्यों नहीं पहनते? क्योंकि गंदे हो जाते हैं। ओके और इसके अलावा कोई रीजन है? आरुष माइक ऑफ। अमृतोस्मी। यस मैम। हाँ आरुष ने बताया कि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं इसलिए हम चेंज करते हैं। इसके अलावा आप पूरे ईयर एक जैसे कपड़े पहनती हो? मैडम थोड़ा सा और एक बार बोलिए। पूरा साल पूरा ईयर आप एक सुन नहीं पा रही हूँ मैम क्लियरली। एक मिनट कुछ माइक का इशू लग रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो हेलो अभी आ गई आवाज? यस मैम। हाँ तो अमृतोस भी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या हम पूरे साल एक जैसे सेम कपड़े पहनते हैं? मुझसे बोलो नहीं। क्यों नहीं पहनते? गंदी हो जाती है। वो तो आपने बता दिया गंदी हो जाती है। वो तो आपने बता दिया कि गंदे हो जाते हैं। इसके अलावा समझ में आ गया मुझे कि हमेशा क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। अगर हम एक ही कपड़े पहनेंगे तो गंदे हो जाएंगे है ना। अब यस अब मायरा क्या आप सर्दी और गर्मी में एक जैसे कपड़े पहनती है? विंटर्स में समर्स में? मम्मी को मत देखो मेरी तरफ देख के बोलो। जब सर्दी होती है तो आप वही कपड़े पहनती हो जो आप गर्मी में पहनती थी? यस और नो? मायरा यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि गर्मी में तो अभी हमें गर्मी लगती है। हम पंखा चला के बैठे हैं कूलर चला के बैठे हैं एसी चला के बैठे हैं और सर्दी में हमें ठंड लगेगी तो क्या हम पंखा चलाएंगे? सर्दी में जब आपको ठंड लगेगी क्या आप पंखा चलाएंगी? मायरा यस मैम। जब आपको सर्दी के मौसम में सर्दी लगेगी तो क्या आप पंखा एसी कूलर चलाएंगी? नो मैम। नहीं बस इतना सा जवाब देना था मायरा उसमें भी बहुत देर तक सोच रही थी कि भाई सर्दी है तो सर्दी में पंखा कौन चलाता है सर्दी में एसी कौन चलाता है चलाएंगे। ठीक है दिव्या माइक ऑफ। अनिकेत माइक ऑन नहीं हुआ आपका? हाँ अभी हुआ। अनिकेत आप सर्दी में कौन से कपड़े पहनते हैं? उन्नी 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 कपड़े। वेरी गुड। सर्दी में हम उन्नी कपड़े पहनते हैं लगे जैकेट और स्वेटर और गरम मोजे और शॉल है ना ये सब चीजें पहनते हैं। अनिकेत माइक ऑफ। श्रावस्ती। यस मैम। जब आप बारिश के दिनों में बाहर जाती हैं तो जैसे आप बैठी है ऐसे उठ के चली जाएंगी या कुछ स्पेशल करेंगी? छाता। वेरी गुड। आप छाता लेके जाएंगी या फिर रेनकोट पहन के जाएंगी तो इससे हमें ये पता चला मैं
ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम हमारे कपड़े मौसम के हिसाब से पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? मौसम के हिसाब से। जब गर्मी का मौसम है तो हम सूती कपड़े पहनेंगे, कॉटन के कपड़े पहनेंगे, ढीले ढीले कपड़े पहनेंगे। जब बारिश का मौसम है हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जल्दी सूख जाए। इसके अलावा हम रेनकोट और अम्ब्रेला लेके घर से निकलेंगे। जब विंटर है, विंटर का मतलब सर्दी, थोड़े दिन में आने वाली है, अभी 2-3 महीने बाद सर्दी आ जाएगी। सर्दी में फिर हम टोपा लगा के, सॉक्स पहन के, जैकेट पहन के ऐसे रजाई में घुसे रहेंगे क्योंकि हमें बहुत सर्दी लगेगी। तो हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं बेटा, वो हम मौसम के हिसाब से पहनते हैं। और मेन मेन मौसम कौन से होते हैं? समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग। बोलो सब लोग, समर बिना माइक ऑन किए, समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग। चार सीजन मेन होते हैं, और भी होते हैं पर वो ज्यादा दिन रहते हैं। अब समर का मतलब गर्मी जो अभी अभी चल रही है, अभी आप अपने घर में पंखा एसी कूलर चला के बैठे हो, दैट इज कॉल्ड समर। विंटर क्या होता है? जब हमें सर्दी लगेगी, यस विंटर। रेनी क्या होता है? जब बारिश होगी, छाता लेके निकलेंगे, रेनी। और स्प्रिंग क्या होता है? बसंत। वो मौसम बहुत अच्छा होता है, स्प्रिंग का मौसम। वो जनवरी फरवरी में रहता है थोड़ा, उसमें ना समर होता है ना विंटर होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है वो मौसम, ठीक। लेकिन वो थोड़े दिन के लिए ही रहता है। समझ में आया सबको? ओके, अब दूसरी बात पे आते हैं। आप हमेशा कपड़े पहनते हो, अभी भी कपड़े पहन के बैठे हो, लेकिन रूहानिका, ये रूहानिका बेटा आप मेरी क्लास में नहीं हो, आप फर्स्ट बी में हो, तो आपकी फर्स्ट बी में क्लास चल रही है, आप यहाँ किसे ज्वाइन करके रखी है? रूहानिका आप सुनाई दे रहा है बेटा आपको? आपका नाम फर्स्ट बी में है बेटा, तो फर्स्ट बी ज्वाइन करिए। बच्चे को आपको अपने क्लास से ज्वाइन करना है। क्या क्या बोला रही है? ओके, तो अपना घुमाने का माइक को, हाँ, तो अभी हमने जाना कि हम मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, अलग 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 मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है शुभ्रकांता से। शुभ्रकांता, हाँ, जब आप घर में रहती हो और जब आप पार्टी में जाती हो तो क्या आप सेम कपड़े पहनती हो? मैं सुनाई नहीं दे रहा है। जब आप घर में रहती हो और जब कभी पार्टी में जाती हो तो क्या आप सेम कपड़े पहनती हो? नहीं नहीं वेरी गुड। तो फिर आप कौन से कपड़े पहनती हो? अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो पार्टी में जाने के कपड़े भी हमारे अलग होते हैं, पार्टी में जाने के अलग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शिवांश राज। शिवांश राज, यस मैम। यस बेटा, जब आप स्कूल आते हो तो आप कौन से कपड़े पहनते हो? स्कूल यूनिफॉर्म। शाबाश शिवांश के लिए तालियां। जब आप स्कूल आते हो तो जैसे आप अभी रंग बिरंगे कलरफुल कपड़े पहन के बैठे हो, ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। स्कूल में सबको स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, तो ऐसे अलग अलग तरह के अलग अलग कपड़े होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, सारे बच्चे चुपचाप देखेंगे, ठीक है। अच्छी अच्छी स्लाइड दिखाने वाली हूँ, उसमें जो भी लिखा होगा मैं पढ़ूंगी और आप भी अच्छे से उसको सुनेंगे। समझ में आ गई बात?
समझ में आ गई? थम्स अप। हाँ देखिएगा ध्यान से, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। सॉरी वो चला नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। जस्ट गिव मी टाइम, मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ। ओके एक बार मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। वेट बेटा, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर पे प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। प्रॉब्लम को देखा जा रहा है, देख रहा है ये। नहीं चल पा रहा ये। वो नहीं चल पाया जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ठीक है, एक लास्ट बार और ट्राई करती हूँ। जस्ट ट्राइंग वंस मोर, अगर चल जाता है। नहीं वो नहीं चल रहा है, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, सॉरी। तो अभी हम लोग, मैं आपको ऐसे ही समझाना पड़ेगा, उसको मैं कल वापस से कोशिश करूंगी। यहाँ स्कूल के पीसी में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो प्रोग्राम नहीं चल पा रहा है। मैं आपके लिए कुछ अच्छे से, जैसे मैं आपको घर से पढ़ाती थी ना, पिक्चर्स दिखाती थी, याद है? ऐसे मैं अच्छे अच्छे पिक्चर्स आपके लिए लेके आई थी, पर वो इसमें अभी नहीं चल रहा है। ठीक है अमृत, तो उसमें मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. हाँ, तो अभी हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं लेसन को बुक में से। We all wear clothes to cover our bodies. हम सभी अपने शरीर को ढकने के लिए क्या यूज करते हैं? कपड़े यूज करते हैं, सब कपड़े पहनते हैं। Clothes protect us from heat, cold, wind and rain. जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कपड़े हमें सर्दी से, गर्मी से, बारिश से बचाते हैं। They also protect us from dust and dirt. हमें मिट्टी से भी बचाते हैं। अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हमारे पूरे बॉडी पे मिट्टी, कीचड़ सब लग जाएगा। आरोज इधर आ जाओ, बिल्कुल सीधे। क्लासरूम है ये, एकदम सीधे बैठना है सबको। क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स हेल्प अस टू लुक एंड प्रेजेंट, लुक गुड एंड प्रेजेंटेबल। अगर आप धुले हुए साफ सुथरे, जैसा कि आरुष ने, मायला ने, अमृतोस ने बताया था, अगर आप धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और अगर आपने प्रेस करे हुए अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी पहने हुए हैं, तो आप अच्छे स्मार्ट दिखते हैं। ठीक है, वी शुड ऑलवेज वेयर नीट एंड वेल आयरन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। विंटर क्लोथ्स, अब विंटर का मतलब मैंने आपको बता दिया सर्दी। सर्दी में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर, सर्दी में बहुत ठंडी लगती है, बहुत ठंड लगती है। इन विंटर वी वेयर वूलन एंड वार्म क्लोथ्स, दिस क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड वेदर एंड कीप अस वार्म। जैसे पिक्चर में दिखा रखा है, ध्यान से देखो ये वाला, ये जैकेट, ये जैकेट,
ये सारे कपड़े विंटर के, जैकेट, कैप, ग्लव्स है ना, हैंड ग्लव्स, ये सब। तो ये सारे कपड़े आप विंटर्स में पहनते हो सर्दी में। समर क्लोथ्स, समर का मतलब गर्मी, क्योंकि अभी चल रहा है मौसम। वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर, समर में हम बिल्कुल हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। दीस क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कीप आवर बॉडी कूल। अगर हम समर में अभी आपको स्वेटर पहना दूंगी तो क्या होगा? अभी अगर मैं आपको स्वेटर पहना दूं, हिमाक्ष, हिमाक्ष अगर मैं अभी आपको स्वेटर पहना दूं तो क्या होगा? आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज साफ आ रही है, सब कुछ सुनाई दे रहा है। Yes, ma'am. अगर मैं आपको अभी स्वेटर पहनने को, अगर मैं अभी आपको स्वेटर पहनने को, बोलो। Yes, ma'am. आपको तो पता ही नहीं कि मैंने आपका नाम लिया। आप तो चेयर पे पैर अच्छे से करके बैठी हैं, जैसे आराम कर रही हैं। यू आर इन अ क्लासरूम ना, क्लासरूम में विजिलेंट होके बैठना है। अगर मैं आपको अभी स्वेटर पहना दूं तो आपके साथ क्या होगा? बोलो। घुटन होगी। घुटन होगी, वेरी गुड। अंशिका का जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। माइक ऑफ अंशिका। ये गर्मी का मौसम है और अगर आपको ऐसे में स्वेटर पहना दिया जाएगा तो आपको घबराहट होगी, आपका जी घबराएगा, आपको उल्टी होने जैसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमें गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं है। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? हम गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? हम गर्मी में कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हमें कूल लगे। कॉटन के कपड़े हमें ठंडा रखते हैं, हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। रेनी सीजन, रेनी सीजन का मतलब बारिश, बारिश का माहौल। When we are going out in the rain, we wear raincoats and gumboots. जब हम बारिश में बाहर जाते हैं हम रेनकोट पहनते हैं और गमबूट, बड़े बड़े ऊंचे वाले जूते पहनते हैं। We also carry an umbrella. हम एक अम्ब्रेला भी अपने साथ कैरी करते हैं। So that we don't get wet, ताकि हम गीले ना हो जाएं, ताकि हम गीले ना हो जाएं। Gumboots help us to keep our feet dry. Gumboots से हमारे Just give me 1 minute, 8 minute दीजिएगा। मैडम मैडम आपका कैमरा ऑफ है। स्क्रीन पे बेटा हेलो लिखा हुआ दिख रहा है क्या? हेलो,
आरुष यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम आपको स्क्रीन पे एक रोज दिखाई दे रहा है बस तो अभी वो देखेंगे चुपचाप वो जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी वो अभी चल गया लोकेश सर ने मेरी हेल्प कर दी तो वो चल गया है तो आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहले हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन क्लोज वी वेयर डिफरेंट क्लोज इन समर rainy and winter season आप लोग बीच में बोलेंगे नहीं मेरी आवाज सुनेंगे और इसको देखेंगे आप लोग बीच में बोलेंगे नहीं मेरी आवाज सुनेंगे और मैं जो दिखा रही हूँ इसको देखेंगे ये मैंने लास्ट टाइम बोला आपको बीच में डिस्टर्ब मत करिए क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड डस्ट वी वेयर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट कॉटन क्लोथ मैं अभी आपको बता ही रही थी कि हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हमें कूल रखते हैं वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं अब नेक्स्ट देखिए इन विंटर अब देखो सर्दी आ गई विंटर में इस बच्चे ने क्या पहना हुआ है कैप पहना हुआ है ग्लव्स पहने हुए हैं और मफलर लगाया हुआ है स्वेटर पहना हुआ है पूरे बॉडी को कवर कर रखा है क्योंकि पीछे बहुत बर्फ गिरी हुई है So in winter we wear woolen clothes, they keep us warm. अब आ गया रेनी सीजन रेनी बारिश वाला सीजन We wear a raincoat when it rains. It protects us from getting wet. WET wet का मतलब गीला Sometimes we carry an umbrella. अब एक गम्बू देखो इस बच्चे ने पहने बड़े बड़े बूट पहनते हैं ताकि हम गीले ना हो Children wear uniforms to school. जैसा शिवांश ने बताया था कि जब हम स्कूल जाते हैं तो ऐसे नहीं कि मर्जी से रंग बिरंगा लाल पीला नीला काला टी शर्ट पहन चले गए जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है क्या पहननी पड़ती है अमृत उसमें चुप चुप भाई तुम इसने तो कुछ जिज्ञेस कर अमृत उसमें क्या पहनना पड़ता है आंसर दो बेटा इतना टाइम नहीं लगाओ मेरे पास टाइम नहीं होता ज्यादा ऐसे टाइम बहुत वेस्ट होता है फिर ड्रेस यूनिफॉर्म इसको ड्रेस नहीं बोलेंगे ऊपर देखो स्पेलिंग देखो यूनिफॉर्म यू एन आई एफ ओ आर एम एस यूनिफॉर्म तो स्कूल जब भी आते हैं आपके पापा भी डॉक्टर है जब वो जाते हैं हॉस्पिटल तो अपने कपड़ों के ऊपर क्या पहनते हैं व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं कि नहीं पहनते यूनिफॉर्म हाँ उस फॉर्म का यूनिफॉर्म है नेक्स्ट स्लाइड देखो व्हाट डू यू वेयर इन समर समर में हम पहनते हैं कॉटन कॉटन क्लोथ्स इसको याद करिएगा ठीक है व्हाट डू यू वेयर इन विंटर विंटर में हम पहनते हैं वूलन क्लोथ्स डब्ल्यू ओ ओ एल एल ई एन वूलन क्लोथ्स What do you wear when it rains? क्या पहनते हैं रेनकोट इन बच्चों ने देखो इसने रेनकोट पहना हुआ है इसने रेनकोट नहीं पहना तो इसने अम्ब्रेला ले लिया है क्या What do you wear in school? School में school uniform school का जो uniform होता है वो पहनते हैं सारे बच्चों को देखो ये देखो सारे आपके जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ओके पीपल इन आर कंट्री वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ये देखो ये कश्मीरी है ये राजस्थानी है ये बंगाली है ये पंजाबी है अब मुझे कपड़ों से ही पता चल गया है ना ड्रेस ऑफ कश्मीर ये देखो कश्मीर के लोग कैसा ड्रेस पहनते हैं दिखाई दे रहा है ना आपको मायरा दिखाई दे रहा है मायरा यस मैम आप मुझे भी दिख रहे हो हाँ दिख रही है ना तो देखो ड्रेस ऑफ कश्मीर कश्मीर के लोग ऐसा ड्रेस पहनते हैं राजस्थान जहाँ हम रहते हैं राजस्थान में देखो लोग ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं ऐसे पगड़ी बांधते हैं जैसे इस लड़के ने बांध रखी है ठीक है बंगाल जो बंगालीज होते हैं बंगाल के रहने वाले
वो जेंट्स कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये लेडीज साड़ी पहनती है, ठीक है। पंजाब, पंजाब के लोग कैसा ड्रेस पहनते हैं देखो, ये इन्होंने सलवार कुर्ता दुपट्टा, और ये पंजाबी पगड़ी अलग होती है राजस्थानी पगड़ी से, देखो पंजाबी पगड़ी अलग है। कुर्ता जैकेट लुंगी, ये पंजाबी का ड्रेस है। साउथ, साउथ में अगर जाओगे केरला आंध्रा तमिलनाडु, वहां पे लोग ऐसी ड्रेस पहनते हैं ये, और औरतें साड़ी पहनती है और आदमी इस तरह का गले में ऐसा डालते हैं। क्लोथ शुड बी वॉश रेगुलरली, हमें अपने कपड़ों को समय समय पे धोते रहना चाहिए। समय समय पे धोने से क्या, हमें गंदगी नहीं होगी, जर्म्स नहीं होंगे, बैक्टीरिया नहीं होंगे, और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जो पुराने जमाने का आदमी होता था वो ऐसे कपड़े पेड़ की से बनाता था, पेड़ के पत्ते के कपड़े पहनता था। कुछ लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे नर्स, हॉस्पिटल में आप जाओगे तो नर्स हमेशा ये देखो व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के खड़ी है, ये देखो। पुलिस ऑफिसर भी हमेशा पुलिस का ड्रेस, आपने पिक्चर में भी देखा है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी आईपीएस है किरण बेदी, किरण बेदी मैडम है ये, देखो इन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रखा है। सोल्जर, हमारे सैनिक जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ये लोग भी यूनिफॉर्म पहन रखा है, हैट लगा रखा है, हाथ में गन ले रखी है। स्टूडेंट, आप लोग, आप स्कूल आते हो तो आप भी यूनिफॉर्म पहन के आते हो ऐसे अच्छे से स्माइल करते हुए, ठीक है। आप मुझे बताओ किस किस को देख के मजा आया, हैंड क्लैप। यस वेरी गुड, आरुष को भी आया, मायरा को भी आया। मायरा ने हालांकि मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, मैंने बीच में कुछ पूछा था, सो अब आपको पूरा समझ में आ गया है। हमने 2-3 times कर लिया है कि हमें कौन से जो कपड़े हैं वो हमें सर्दी में पहनने चाहिए, कौन से गर्मी में पहनने चाहिए, और कौन से बारिश में पहनने चाहिए, और आप भी वही करते हो। तो बच्चों ने अच्छे से सुना, अच्छे से स्लाइड देखी, एंजॉय किया। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में परसों मिलेंगे और इस लेसन के स्पेलिंग्स लिखवाएंगे, ओके, इज दैट ओके? ओके।